हेलो प्यारे बच्चो, बच्चों देखिए बच्चों आज मैं आप सभी को जो असेसमेंट सर्कुलर दिया गया है प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए सेशन 2020-2021 का उसके बारे में आपको यहाँ मैं बताऊँगी देखिए बच्चों एज़ इट इज़ वेल well नोन दैट कोविड 19 पैनडेमिक बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड स्कूल्स इज़ अनप्रेसिडेंटेड

और बच्चों इसी के चलते जो नॉर्थ डीएमसी है वो पूरे साल क्लोज रही है ठीक है मार्च 2020 से लेके आज के डेट टिल डेट तक ठीक है सभी को पता है ये हाउ एवर नॉर्थ डीएमसी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड और क्लोजर ऑफ स्कूल इम्पार्टेड एजुकेशन टू ऑल द प्राइमरी स्टूडेंट सिंस नाइन अप्रैल 2020 टिल डेट थ्रू आउट चैप्टर वाइज वीडियोस वर्कशीट इंग्लिश हिंदी मीडियम असाइनमेंट्स ऐसे फर्स्ट विंटर ब्रेक हॉलीडेज होमवर्क वेरियस कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग कोविड कंपिंग एक्सेट्रा इन ऑन और ऑफलाइन मोड देखिए बच्चों इस पीरियड लॉकडाउन का जो पीरियड था उसके दौरान बच्चों नॉर्थ डीएमसी ने आप सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई ठीक है आप लोगों के लिए पढ़ाई का मटेरियल प्रोवाइड करवाया 9 अप्रैल 2020 से लेके आज तक चैप्टर वाइज उन्होंने आप लोगों को वीडियो बना के दी वर्कशीट दी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए आप लोगों के ऐसे एग्ज़ाम लिए ठीक है विंटर ब्रेक हॉलीडेज आपको दिए गए वेरियस कॉम्पिटिशन्स आपके लिए रखे गए और वो आप आ, बच्चों व्हाट्सएप पे भी आपको ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आपको दिया जाता था और जिन लोगों के पास बच्चों मोबाइल फोन्स वग़ैरह अवेलेबल नहीं हैं या फिर किसी और परेशानी की वजह से अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे थे तो आपको ऑफलाइन भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है सिंस नो क्लास रूम टीचिंग लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस एट द प्राइमरी लेवल देखिए बच्चों कोई भी प्राइमरी लेवल का जो है क्लासेस उनकी कोई भी क्लासेस नहीं लगी है ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोगों को सभी को पढ़ाया गया है द फॉर्मल मोड ऑफ़ पेन एंड पेपर असेसमेंट इज रिप्लेस बाई असेसमेंट बेस्ड ऑन सब्जेक्ट बाई असेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री टू फाइव फॉर ऑल म्यूनिसिपल एडेड रिकोगनाइज स्कूल ऑफ नॉर्थ डी एम सी देखिए बच्चों जो आपको पेन और पेपन पेपर का जो असेसमेंट हुआ करता था बच्चों उसको असेसमेंट सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोजेक्ट के थ्रू या असाइनमेंट के थ्रू आप लोगों को दिया गया क्लासेस थ्री फोर्थ और फिफ्थ का कि आप उनको इस वे में कर पाओ ठीक है द वेटेज ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू बी टू बी अलॉटेड फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री टू फाइव इज गिवन बिलो देखिए बच्चों अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वेटेज है कि जो हमने वेटेज दिया है किस अकॉर्डिंग हम आपको मार्क्स देंगे जो हमने आपको असेसमेंट्स दिए हैं उनको असाइमेंट्स दिए हैं ठीक है तो देखिए एक्टिविटीज़ एंड मार्क्स फर्स्ट है असेसमेंट बेस्ड ऑन वर्कशीट एंड ऑन अदर मोड ऑफ असेसमेंट इफ़ एनी बच्चों देखिए असेसमेंट बेस्ड ऑन वर्कशीट्स वर्कशीट के बेस्ड पे या किसी और मोड के थ्रू हमने आपको कोई दिया है तो उसका होगा थर्टी मार्क्स सेकेंड है असेसमेंट बेस्ड ऑन असाइनमेंट गिवन इन विंटर ब्रेक्स देखिए बच्चों विंटर ब्रेक्स में जो आपको असाइनमेंट्स दिया गया है उसका होगा थर्टी मार्क्स असेसमेंट बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट टू बी प्रोवाइडेड एज पर डेट शीट मेंशन अंडर हेयर अंडर देखिए बच्चों और आपको जो असेसमेंट है असाइमेंट्स या प्रोजेक्ट्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा एज़ पर डे शीट मेन्शन हेयर अंडर देखिए बच्चों आप लोगों को नीचे जो आ, मैं आपको बताऊंगी आगे ठीक है असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट उसका आप लोगों को फोर्टी मार्क्स दिया जाएगा तो टोटल अपना हो जाएगा हंड्रेड मार्क्स ठीक है इस हंड्रेड मार्क्स के वेटेज का मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस किस के बेस पे कितना कितना मार्क्स मिलेगा इन रेफरेंस टू द पॉइंट नंबर वन एंड टू हेड्स ऑफ स्कूल विल इंश्योर दैट द एसेसमेंट शुड बी डन बाय द स्टूडेंट फ्राम टाइम टू टाइम ज्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पैनाडेमिक्रू डिजिटल मूड व्हाट्सअप इन परसन बाय द पेरेंट्स और गार्जियन देखिए बच्चों असेसमेंट फर्स्ट और सेकेंड जो है ठीक है असाइनमेंट्स जो आपको दिए गए हैं वो कैसे उसको कैसे नंबर दिए जाएंगे आपको मैं आपको बताती हूँ ये जो फर्स्ट और सेकंड जो है बच्चों इसका आपको जो हेड ऑफ़ स्कूल है वो इसके लिए रिगार्डिंग देखेंगे आप सभी को जो काम दिया गया है उसको एनालिसिस करेंगे कि आपको जो व्हाट्सएप पे दिया गया है काम डिजिटल मोड के थ्रू वो कैसे किया है आपने टीचर विल नॉट आस्क द स्टूडेंट पेरेंट्स गार्जियन टू सबमिट और रिसबमिट द प्रीवियस वर्कशीट और असाइनमेंट सेस बच्चों देखिए कोई भी टीचर आपको बार बार नहीं कहेगा पेरेंट्स को या गार्जियंस को कि आप अपना काम सबमिट करें या दोबारा से सबमिट करें अपने वर्कशीट को या असाइनमेंट को किसी भी कंडीशन में आप लोगों को ये नहीं बोला जाएगा क्योंकि बच्चों जब आपको ये काम दिया गया था तो आपको उसके साथ डेट भी दी गई थी कि इस टाइम आपको अपना डेट पे सबमिट करना है काम इस डेट को आपका काम सबमिट होएगा इसके बाद आपका काम चेक नहीं किया जाएगा ध्यान रहे आप सभी को इस बात का जिन्होंने काम सबमिट करवा दिया है बच्चों सिर्फ उन्हीं का काम चेक होगा जिन्होंने नहीं करवाया है उन्हें कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे और ये नंबर बच्चों आपके आगे मार्कशीट में ऐड होंगे सब्जेक्ट वाइज असाइमेंट वर्कशीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट विच आर टू बी एसिस्ट एंड अवॉर्डेड द मार्क्स फ्रॉम द मैक्सिमम एज मैंशन इन द टेबल देखिए बच्चों, दिखें बच्चों जो सब्जेक्ट वाइज आपको असाइनमेंट और वर्कशीट दी गई है जो कि डिपार्टमेंट्स ने प्रोवाइड करवाई है विच आर टू बी असड एंड अवारेड और बच्चों जो उनका स्केलिंग है ग्रेड है वो किस तरह से दिया जाएगा मैं आपको बताती हूँ इन केस ऑफ स्टूडेंट हैव नो डिजिटल सर्विस असाइनमेंट वर्कशीट टू सच स्टूडेंट्स बी अलाउड अलॉटेड इन हार्ड कॉपी बाय कॉलिंग देअर पेरेंट्स एट स्कूल फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर देखिए बच्चों मैंने आप सभी को अभी बताया कि जो लोग डिजिटल असाइनमेंट या वर्कशीट नहीं प्रोवाइड किए गए हैं उनके पेरेंट्स को कॉल करके बोला गया है कि आप हार्ड कॉपी आ के और इसको से ले कर जाइए और अपने बच्चों को काम करवाइए ठीक है फर्दर द डाटा ऑफ दिस असेसमेंट विल ऑल्सो हेल्प द एजुकेशन डिपार्टमेंट नॉट डी एम सी इन डिटेमाइनिंग द कोर्स कंटेंट एंड लर्निंग स्ट्रेटडी फॉर नेक्स्ट सेशन ग्रेडिंग स्केल ग्रेडिंग स्केल फॉर स्कॉलेस्टिक एरियाज देखिए बच्चों जिन लोगों को नाइन्टी वन से हंड्रेड का मार्क्स दिया गया है उसे ए वन ग्रेड मिलेगा जिसे एटी वन से नाइन्टी का मार्क्स दिया गया है उसे ग्रेड ए टू मिलेगा जिसे सेवेंटी वन तो टू एटी मार्क्स दिया गया है उसे ग्रेड बी वन मिलेगा जिसे सिक्सटी वन टू सेवेंटी दिया गया है उसे बी टू मिलेगी ग्रेड जिसे फिफ्टी वन टू सिक्सटी दिया गया है मार्क्स उसे सी वन जैसे फोर्टी वन टू फिफ्टी उसे सी टू और जिसे थर्टी थ्री टू फोर्टी मार्क्स दिए गए हैं उसे डी ग्रेड मिलेगा और बच्चों जिनको थर्टी टू या थर्टी टू से कम मार्क्स दिया गया है उन्हें ग्रेड ई मिलेगा और उनका रिमार्क आएगा कि उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ठीक है बच्चों सभी को आया समझ में चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों डेट शीट फॉर इशुएंस ऑफ असाइनमेंट वर्कशीट देखिए बच्चों आप लोगों को जो डेट शीट में बता रही हूँ ठीक है यहाँ पे डेट शीट में आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट वाइज कि आपको जो असाइमेंट वर्कशीट इशू करेंगे उन उनका बता रही हूँ आपको देखिए बच्चों आठ मार्च को आपको हिंदी की वर्कशीट दी जाएगी ठीक है नौ को आपको मैथ्स की दस को ईवीएस की ग्यारह को इंग्लिश की बारह को एसएसटी की और पंद्रह को आर्ट एंड क्राफ्ट की आप सभी को असाइनमेंट या वर्कशीट्स इशू की जाएगी ठीक है इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट असाइनमेंट आर टू बी प्रोवाइडेड टू पेरेंट्स गार्जियन ऑन डिमांड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन ऑनलाइन मोड एंड आर टू बी कलेक्टेड अप टू पंद्रह मार्च देखिए बच्चों जो असाइनमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा पेरेंट्स या गार्जियन को पेरेंट्स या गार्जियन के कहने पे ही स्टूडेंट्स को जो कि ऑनलाइन उस वर्क को नहीं किया गया है और पंद्रह मार्च तक वे कलेक्ट कर लेंगे ठीक है रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड ऑन इकतीस तीन इक्कीस इकतीस तीन इक्कीस को आप सभी का रिजल्ट बन जाएगा डिक्लेयर हो जाएगा स्टूडेंट नॉट टू बी कोल्ड इन स्कूल फॉर रिज़ल्ट बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा रिज़ल्ट देने के लिए स्टूडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिज़ल्ट थ्रू डिजिटल मीन्स फोन कॉल्स एक्सेट्रा बच्चों आप सभी का जो रिज़ल्ट है आपको डिजिटल मीन्स या फ़ोन कॉल पे आपको बताया जाएगा आपका जो भी रिजल्ट रहा है ऑल स्टूडेंट आर टू बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास और सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा अगर उनका वर्क अच्छा होगा और उनका मार्क्स अच्छे होंगे तो ध्यान रहे आप सभी को अच्छे से अपना वर्क करना है ठीक है दिस issues इन continuation to द सर्कुलर issued by doi वाइड नंबर एग्ज़ाम डेटेड फॉर क्लास थर्ड टू फिफ्थ एंड नंबर दिस दिस देखिए बच्चों आप सभी को यहाँ समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं हंड्रेड मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे ठीक है यहाँ मैंने आपको बताया है ग्रेडिंग स्केल से आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे कि जो जिसके नाइन्टी वन से हंड्रेड आएंगे उसे ए वन ग्रेड दी जाएगी और सबसे लोवेस्ट जिसका थर्टी टू या थर्टी टू से कम मार्क्स है उसे ई e ग्रेड दी जाएगी और उसको मार्क मिलेगा कि नीड इम्प्रूवमेंट और बच्चों डेट डेट शीट मैंने आप सभी को यहाँ बताई है जो कि असाइनमेंट और वर्कशीट को देखिए बच्चों जो जारी करेंगे इशू करेंगे असाइनमेंट और वर्कशीट उसकी मैंने आप सभी को यहाँ डेट बता दी है आप लोगों को मैंने बता दिया है कि पेरेंट्स या गार्जियन की डिमांड पे ही आप लोगों को वर्क असाइनमेंट्स दिया जाएगा और पंद्रह तारीख तक उसे कलेक्ट किया जाएगा ठीक है रिजल्ट आपको इकतीस मार्च को बता दिया जाएगा आपके फ़ोन कॉल पे या फिर आपको व्हाट्सएप पे जो भी डिजिटल मीन्स रहेगा किसी को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा ठीक है बच्चों आप सभी बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिए समझिए और अपने जो वर्क दिया गया है असाइनमेंट बच्चों उसको आप सभी सीरियसली लीजिए मजाक में मत लीजिए बच्चों यही जो आपको असाइनमेंट्स और वर्कशीट दी गई है यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा अगर आपने बहुत अच्छे से की होगी मेहनत अच्छे से अपना वर्कशीट और अपने असाइनमेंट्स को किया होगा तो आपको बहुत अच्छी ग्रेड दी जाएगी ठीक है और आपने अच्छा नहीं किया होगा या फिर आपने सब चीज़ें ऐसी ली होगी कि पास कर देंगे तो बच्चों ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं ठीक है बच्चों बच्चों आप सभी देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए समझिए और थोड़ा सीरियस होइए अपनी पढ़ाई को लेके उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा थैंक यू प्यारे बच्चों